ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। ब्रेक से पहले हमने बात की थी 6 राशियों की, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखते हुए काम करना है और अपनी निजी जिंदगी में आज किसी भी बात को लेकर अड़ियल व्यवहार या सोच नहीं रखनी, ध्यान रखिएगा। अपने जीवन साथी से आज सुबह सुबह झगड़ा करके नहीं निकलना। व्यापार में लाभदायक बड़े सौदे मिलने के योग हैं। नए व्यापार का प्रस्ताव प्राप्त होगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिए। आप सभी के लिए विशेष, कभी भी घर में सुबह सुबह जब आदमी घर से काम से निकलता है, कभी भी घर में कलह कलेश नहीं होना चाहिए, लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है, तो सुबह के समय किसी भी वाद विवाद को अवॉइड करना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट काम में मत लीजिएगा। ऐसी कोई प्लानिंग मत कीजिएगा जो कम समय में आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पितरों की तस्वीर के समक्ष घी का दीपक अवश्य जलाइएगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन कुछ तनावपूर्ण बना रह सकता है। केवल उतना ही काम हाथ में लें जितना आपके लिए सहज हो, जितना आसानी से आप उस काम को कर सकते हो। ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, फला डिका, ऐसा मत करना। जो संभव हो वही काम करो। आज के दिन की सफलता के लिए केसर का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम तीन राशियों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। कमल जी हैं अजमेर से, जो कि अपने बेटे शिव के लिए जानना चाहते हैं। शिव की जन्म की तारीख है 9/4/2010 और जन्म का समय है रात का 9:20 का और इनका बर्थ प्लेस स्पेन है। पंडित जी, कमल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। ये मेरा भतीजा है, इसके बारे में मुझे पूछना है कि मतलब ना ये थोड़ा कंसंट्रेट नहीं कर पाता है बच्चा, और मतलब बोलने में भी इसको दिक्कत हो रही है। बोलना नहीं सीख पा रहा है और थोड़ा उदास उदास रहता है बच्चा। स्पेन में कहाँ का जन्म है? टेनरिफ। टेनरिफ का लगता है पंडित जी उनका संपर्क कट गया हमसे। देखिए कमल, इस बच्चे की हॉरोस्कोप में आई थिंक आपने टेनरिफ बोला होगा, स्पेन में जो टेनरिफ है। इस बच्चे की जन्म कुंडली में वैसे अगर देखा जाए तो गज केसरी योग है, चंद्र गुरु का जो कॉम्बिनेशन होता है गज केसरी योग कहलाता है। उसके साथ साथ में इस ये बच्चा जो है एक राहु की महादशा में से गुजर रहा है, उसमें भी गुरु का अंतर चंडाल योग बोलते हैं इसको। राहु में गुरु चंडाल योग कहलाता है। ये नेगेटिव एक फेस है जो कि इसके हर काम में रुकावट लेके आ रहा है, जैसे बोलने की शक्ति और इस तरह की सब चीज़ों में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बोलिए आपके ब्रदर को वहाँ पर कि एक घर में दक्षिणावर्ती शंख वहाँ पर रख ले। उस शंख में जल भर के अपने पूजा स्थान पर रख दीजिए और अगले दिन सुबह उस जल को फेंकना नहीं है। उस जल का जो सेवन है वो इस बच्चे को करवा दीजिए। लगातार 40 दिन तक इस तरीके से करिए। निश्चित तौर पे बच्चे की कोई हकलाहट है या बोलने में कोई दिक्कत है वो समस्या खत्म हो जाएगी। उसके साथ साथ में रात को सोते समय इस बच्चे के सिरहाने के पास में पक्षियों को खिलाने वाला दाना रखिए। वो दाना जो है वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पक्षियों खिला दीजिए। स्पेन में काफ़ी बर्ड्स वगैरह मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये उपाय करवाइए, बाकी और किसी भी तरह की दिक्कत नहीं। जैसे अभी थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो या तो इसके मदर फादर अभी कर सकते हैं, मंगलवार या शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें इस बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, तो निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। पंडित जी, अभी मंजू जी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ अलवर से, जो कि अपनी ननद के लिए जानना चाहती हैं। उनकी ननद की जन्म की तारीख है 19/10/1982 और जन्म का समय है रात का 9:30 का और पंडित जी कुंडली मिलान करना चाहती हैं सुरेंद्र जी के साथ। उनकी जन्म की तारीख है 9/7/1985 और जन्म का समय है सुबह का 7 का। मंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। हाँ जी पंडित जी नमस्ते। हम्म, पंडित जी वो ये मेरी ननद जी है, इनकी सेकंड मैरिज है और ये हमने लड़का देखा है, दौसा जिले में रहता है। और पंडित जी ये लड़का इनके लिए कैसे रहेगा, मतलब पहले की तरह वो सही है या नहीं है ये मिलवाना। 9/7/1985 और बच्ची की, और बच्ची की जन्म की तारीख है 19/10/1982। ओके,
देखो गुण तो इससे भी नहीं मिलते हैं, 19 गुण ही मिलते हैं इस लड़के से। प्रकृति दोष, नाड़ी दोष, सारे दोष हैं इस बच्चे के। और इस बच्चे की भी जन्म कुंडली में दाम्पत्य घर में जो देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति हैं वो नीच के होके बैठे हैं, मांगलिक हो रहे। तो मेरा तो पर्सनल सजेशन नहीं है कि ये लड़का, एक तो बहुत तेज करेक्टर का रहेगा, बहुत गुस्सेल स्वभाव का रहेगा ये, और इसके भी विवाह सुख में कमी है, इसलिए अगर इसको अवॉइड करो तो ज़्यादा अच्छा। वैसे भी लड़का 3 साल छोटा है। आपकी जो ननंद है इसकी जन्म कुंडली में 2-3 चीज़ें हैं, एक तो शुक्र नीच का है, उसके साथ में चंद्रमा भी नीच का है, कालसर्प दोष बना हुआ है। तो शादी वापस विवाह करने से पहले, पुनर्विवाह करने से पहले आप इसके कालसर्प दोष की पूजा अवश्य करवा दीजिए। और इस बच्ची को बोलिए एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करें, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, 21 बार माँ तुलसी जी की परिक्रमा करें रोज़। और उसके साथ साथ में शुक्रवार के दिन 10 वर्ष से कम बच्ची को कुछ भी मीठा खिलाएं, कुछ भी दान करें। ये उपाय करिए और अभी कम से कम 3 महीने रुक जाइए, 3 महीने बाद आपको अच्छा ऑप्शन मिलेगा इसके लिए। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक क्या करें क्या ना करें आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके आसपास यदि कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आप अनदेखा कर रहे हैं तो अपनी आंखें खोल लीजिए, अदरवाइज बहुत देर होगी और नुकसान आपका होगा। चिंतित मत तो ये, परिस्थितियाँ जल्दी आपके अनुकूल होंगी। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी सेवन करके घर से निकलिए। अगली जो राशि वो कुंभ राशि। आज कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले कोई एक्सपर्ट हो उसकी सलाह ले लीजिएगा, किसी बात से परेशान है तो उसे शेयर कीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी का ध्यान करके गुड़ चने का प्रसाद बच्चों में बांटिए। अंतिम राशि है मीन। आज सिचुएशन से लड़ने की बजाय उस सिचुएशन में ढलने का प्रयास कीजिए। जितना सिचुएशन से लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, उतनी ही सिचुएशन बिगड़ती चली जाएगी। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी महाराज को सिंदूर अर्पण कीजिएगा। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या है आज का गुड लक टिप। कहा जाता है कि सुख दुख इंसान के कर्मों का फल है, जैसा आप करते हैं वैसा आपको मिलता है, जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल मिल जाता है। वास्तु, अध्यात्म और ज्योतिष आदि में सफल और सुखी जीवन के कुछ सूत्र इसलिए बताए गए ताकि मनुष्य जो है वह शुभ काम करे और उसे शुभ फल प्राप्त हो। अनजाने में किए गए कुछ कार्य उसके दुख का कारण भी बन जाते हैं, तो सभी शास्त्र ऐसे कार्यों से दूर रहने का उपदेश देते हैं। आइए आप भी जानिए कि सुखी जीवन के लिए किन किन कार्यों से दूर रहना चाहिए। सबसे पहला, मुख्य द्वार के आसपास, आपके घर के आसपास जो है मेन डोर के पास में कूड़ादान नहीं रखना है, ना वहाँ पे गंदगी इकट्ठी होने दें, ना वहाँ पानी इकट्ठा होने दें। माँ लक्ष्मी ऐसे घर से दूर रहती है जिस घर के दरवाजे के पास में बहुत गंदगी हो, पड़ोसी भी शत्रु हो जाते हैं। दूसरा, रात को सोने से पहले रसोई में एक बाल्टी पानी भर के अवश्य रखिए। अपन खाली बाल्टी एक के ऊपर एक डाल के रख देते हैं, बहुत उल्टा रिजल्ट आता है। यदि एक बाल्टी पानी भर के रखेंगे तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। खाली बाल्टी घर में तनाव और चिंता लेकर आती है। तीसरा, सूर्यास्त के बाद किसी के घर दूध, दही, नमक, तेल या प्याज लेने मत जाइए। पड़ोसियों से वो जावण मत मांगा करो और सूर्यास्त के बाद सब्जी लेने भी मत जाओ। जीवन में बाधाएँ आती हैं और कष्टों का सामना करना पड़ता है, साथ ही परिजनों का मान सम्मान कमजोर होता है। चौथा, यात्रा के लिए घर से निकले तो घर से पूरे परिवार को एक साथ नहीं निकलना चाहिए, घर की लक्ष्मी और यश का नाश होता है, थोड़े थोड़े करके निकले। पांचवा, छत पर पुराने मटके या टूटे हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए, खासतौर से रसोई घर की छत पर कोई भी पुरानी चीज मत रखिए, गरीबी को आमंत्रण देते। छठा, किसी भी गरीब, अपंगता या रोग का कभी मजाक मत बनाए और उसकी नकल मत करिए, मिमिक्री करने की कोशिश मत करा करिए, और संभव हो तो किसी भी गरीब की, अपंग की यथाशक्ति सहायता करें। किसी का लाचारी का मजाक बनाने से जीवन में दुर्भाग्य का आगमन होता है और उस व्यक्ति को उसका दंड भोगना ही पड़ता है। सातवां, टूटे हुए दर्पण में अपना चेहरा मत देखिए, बहुत ज़्यादा निहारने अच्छी बात नहीं। अपने आप को ही देखते हो कैमरे में बार बार या कांच में, आपको आपकी नज़र लग जाती है। और टूटे हुए कंघे का भी उपयोग करने से बचना चाहिए, जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है जो शुभ कार्यों में बाधाएं पहुंचाती। तो ये वास्तु से संबंधित कुछ सरल चीज़ें मैंने आपकी आपको बताई, आशा है आपका ध्यान रखें। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं हमारे प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा।
पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।